Students, Ashwin sir will be hosting a live session on tips and tricks on how to score better in JEE on 6th April, 6 to 7 p.m. We will also be hosting a live JEE paper discussion on 8th of April. So stay tuned and subscribe to our channel for more updates. Hello. तो इस सवाल में हमें एक सर्कल की इक्वेशन ढूंढ निकालनी है जो इन पेयर ऑफ लाइंस मॉड वाई इक्वल टू एक्स को टच करती है एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट टू यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मॉड वाई इक्वल टू एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे मॉड हटाना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि वाई कुड बी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, और यहाँ से मुझे दो स्ट्रेट लाइन्स मिलती है। एक स्ट्रेट लाइन मिलती है वाई इक्वल टू एक्स और एक स्ट्रेट लाइन मिलती है y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर ये सर्कल इन दोनों लाइंस को टच कर रही है एट अ डिस्टेंस रूट टू यूनिट्स अवे, तो सेंटर ओरिजिन से मुझे यहाँ पे रूट टू यूनिट्स मिलता है, वैसे यहाँ पे भी मिलता है, इस लाइन पे भी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अगर इन दोनों लाइंस को टच करता है तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है सर्कल कुछ ऐसे हो, एक और पॉसिबिलिटी हो है ऐसे, एक और है ऐसे और एक और है ऐसे। अब ऐसे चार सर्कल्स अगर बन सकते हैं तो हम कौन से सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये समझने के लिए जब भी आपको दिख रहा है कि एक से ज़्यादा सर्कल्स बन सकते हैं, कुछ शायद आपने ओवरलुक कर लिया होगा। और हमने ओवरलुक ये किया है कि जब हम यहाँ से यहाँ गए तो हमने कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी कंसिडर कर लिया। सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो वाई की हमने कोई भी वैल्यू ले ली, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि मॉड प्रेजेंट है, एक्स की वैल्यू हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकती है, विच मीन्स कि एक्स कभी भी नेगेटिव साइड पे नहीं आ सकता फॉर एनी वैल्यू ऑफ वाई। बट हमने ये दोनों लाइंस में एक्स को दोनों साइड पे एक्सटेंड कर लिया, विच मीन्स कि एक्चुअली इस लाइन में ये पार्ट नहीं हो सकता और ना ही ये पार्ट हो सकता है। अब अगर ये दोनों पार्ट्स निकल गए तो जो बचे हुए दोनों पॉइंट्स हैं उसमें सिर्फ एक ही सर्कल बन सकती है, और वो सर्कल होगी कुछ इस तरीके से जो दोनों लाइंस को उन पॉइंट पे टेंजेंट बन रहे हो। अब अगर सर्कल यहाँ पे है तो ये पॉइंट पे अगर टेंजेंट बन रहा है तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से पास करना चाहिए। अब हमें लग रहा है कि ये लेंथ भी इक्वल है, ये लेंथ भी इक्वल है, ये पॉइंट ओरिजिन पे है, विच मीन्स यहाँ से जो टेंजेंट बनेगा शायद वो भी इस पॉइंट से पास करना चाहिए। तो हम अभी के लिए सिमेट्री से ऐसे बना लेते हैं और इसको अब प्रूव करने की कोशिश कर लेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो लाइन है वो 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, ये लाइन 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों के बीच में हमें 90 डिग्रीज मिल जाएगा। रेडियस टेंजेंट के बीच में यहां पे भी 90 डिग्रीज होगा और यहां पे भी 90 डिग्रीज होना होगा। तो सिमेट्री से आप कह सकते हैं कि इस पूरे फिगर में जो बचा हुआ एंगल है क्वाड्रिलेटरल का वो भी 90 डिग्रीज होना होगा। अब एडजेसेंट साइड्स यहां पे इक्वल है और चारों एंगल्स 90 डिग्रीज है, ये तभी हो सकता है अगर ये पूरा का पूरा फिगर एक स्क्वायर होगा तब। और अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है एंड ये स्क्वायर है तो सारे साइड्स की लेंथ हो जाएगी रूट टू यूनिट्स। अब क्योंकि ये स्क्वायर प्रूफ हो गया है, सारे साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो हम सिमेट्री से कह सकते हैं कि ये पॉइंट एक्चुअली उस एक्स एक्सिस की लाइन पे ही लाई करेगा। अब क्योंकि ये पॉइंट सर्कल का सेंटर होना चाहिए, क्योंकि दोनों रेडियस का इंटरसेक्शन है, हमें सेंटर की जो कोऑर्डिनेट्स है वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी लेंथ है रूट टू, इसकी भी लेंथ है रूट टू। अगर ये ओरिजिन हो गया तो ओ सी स्क्वायर इज नथिंग बट रूट टू द होल स्क्वायर टू प्लस टू विच इज इक्वल टू फोर, जहाँ से ओ सी हमें मिल जाएगा टू यूनिट्स, और सेंटर की कोऑर्डिनेट्स हो जाएगी 2, 0। सेंटर की कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास और तुम्हारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल रूट टू भी है, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया है और हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिल गई है। तो इस क्वेश्चन में आपने ये सीखा कि अगर आपके पास कभी ऐसा दिया गया हो कंडीशन तो मॉड निकाल के पहले दोनों लाइंस बना दीजिए, मगर जो मॉड की कंडीशन थी जो वायलेट नहीं होनी चाहिए उस कंडीशन को भी ध्यान रख के जो रेलेवेंट पार्ट ऑफ द लाइन है सिर्फ उसे रखिए। एक बार ये हो जाएगा तो बाकी का कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाएगा। For more such videos, subscribe to our channel and hit the bell icon below to never miss an update from us.